हर वर्ग के लोग निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, कोरोना से लड़ने की आई अब आपकी बारी। कोरोना का नाम सुनते ही जहां जनमानस के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटे हैं। आपके लिए हम ऐसे ही कुछ समाज के हर वर्ग से लाए हैं कुछ संदेश, चलिए सुनते हैं किसने क्या कहा। सीताराम भैया हरो, कोरोना के विषय में तो आप सब जने जानत हो कि कितनी भयंकर बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है, भारत में भी इन्हें अपने पांव पसार रहे हैं। जो वीडियो और ये वीडियो के माध्यम से संदेश हम खासतौर से उन लोगों के लाने हैं जो अपने आप को थोड़ा ज्यादा होशियार समझे थे। वे जो मान के आए हैं कि वे इस धरती पे आ गए अजर हैं और अमर हैं, तो हम उन सब जनों से हाथ जोड़ के निवेदन है और जो ही वो है कि आप भले ही अजर अमर हुई हो, लेकिन बाकी के आपके आसपास रहने वाले लोग अजर अमर नहीं है। आपको भले ही कछु न होवे, लेकिन आपकी बेवकूफी के कारण उनोरों की जान जरूर खतरे में डल सकते है। और जिन लोगों की जान खतरे में डल है, वो में आपके परिवार के लोग सबसे पहले हुई है, आपके दोस्त यार सबसे पहले हुई है, और उसके बाद देश के और समाज के अन्य लोग उसमें आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगे भारत भर के और दुनिया भर के सज्जन महाजन सभी लोग बार बार अपील कर रहे कि भैया घरे रहो, घरे रहो तो सुरक्षित रहो, घर के बाहर निकल हो तो परेशानी में आओ, टेंशन में आओ, बीमार हो जे हो। तो इतनी सी एक लाइन की बात आप लोगों की समझ में काय नहीं आ रही। आज नरेंद्र मोदी जी ने फिर से देश के नाम पे जो संबोधन दाव है उसमें जय कही है कि सब लोग घरे रहो और घरे रह के ही ये देश की आप सेवा कर सकत हो। आज से 21 दिन के लाने भारत एक प्रकार से बंद हो रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि भैया अपने घरे रहो, अपने परिवार को समय दो और सुरक्षित रहो। कोई भी इस बीमारी से बच नहीं सकता, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, देसी हो, विदेशी हो, कछु भी हो, कि तब 30 मार खा हो, ये बीमारी से कोई बच नहीं सकत। ये बीमारी से बचने को केवल और केवल एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखिए, व्यर्थ की आवाजाही मत कीजिए। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश के सामने भी एक बहुत बड़े संकट के रूप में उभर के आया है। इस संकट से निपटने के लिए हमारे जिला प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ प्रयास शुरू किए हैं, निश्चित रूप से हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम शासन और प्रशासन का सहयोग करें। जिस तरह की भावना शासन की है, हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते एक दूसरे इंसान के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। और दूसरी बात, यदि जन है तो राष्ट्र है, यदि हम राष्ट्रवादी होने की बात करते हैं तो इस बात की भी चिंता करना चाहिए कि अगर हमें राष्ट्र को बचाना होगा तो जनता को बचाना होगा, और जनता को बचाना होगा तो हमें एक दूसरे को सहयोग देना होगा, प्रशासन को सहयोग देना होगा, और कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के सभी निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन की बात हो या किसी भी तरह की प्रतिबंधों की बात हो, हमें उसको सहजता से लेकर उनको आत्मसात करना होगा, उनका पालन करना होगा। हम खुद भी उनका पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा निवेदन आपसे बार बार यही है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो यह कोरोना की चेन टूट जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोरोना 72 घंटे तक ही बिना ह्यूमन बॉडी के रह सकता है। तो क्या हम 72 घंटे 7 दिन 14 दिन आपको नहीं दे सकते, अपने आप को नहीं दे सकते, समाज को नहीं दे सकते? हमें समाज में देना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो ऐसा मान के चलें कि यदि ह्यूमन बॉडी में 14 दिन तक ही यह रह सकता है और बाहर 72 घंटे रह सकता है, तो क्यों ना हम 14 दिन तक अपने घरों के अंदर रहें। हमारी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उनका पालन करें, और समाज को जागृत रहने के लिए करने के लिए समाज को जागृत रहने के लिए क्या जरूरी है यह लोगों को बताएं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की त्रासदी झेल रहा है। हमारे देश में भी कोरोना प्रभावितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। मेरी आप सभी नागरिकों से ये गुजारिश है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए
आप सभी सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जा रही गाइडलाइंस का पालन करें और जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। इस समय में यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा भी होगी। मेरे साथियों, इस महामारी के बीच में बचाव का काम कर रहे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और अन्य प्रशासनिक दलों की कर्मठता की मैं सराहना करता हूं। आप सभी की कर्मठता की इस बीमारी के फैलने से रोकने में काफी लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है और मैं पेशे से ट्रेनी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूं और अभी बीएमसी में काम कर रहा हूं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के यहां काम पे आ रहा हूं। तो मैं बस आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हम आपके लिए काम पर आ रहे हैं। तो हम बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे लिए घर पर रहें।